हेलो फ्रेंड्स, आज हम एमपी के जीके के बारे में देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे ही जा सकते हैं। ये क्वेश्चंस एमपीपीएससी, एमपीएसआई और जो स्टेट सर्विसेज के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन्हें कवर करेगा। तो हम देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का एकीकरण कब हुआ था, मतलब एमपी का इंटीग्रेशन कब हुआ था। तो ये 1956 को हुआ था, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश कितने संभागों में विभाजित है। तो मध्य प्रदेश 10 संभागों में विभाजित है और ये 10 संभाग हैं भोपाल, चंबल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम, रीवा, सागर, शहडोल और उज्जैन। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है। तो सही ऑप्शन होगा पाँचवा। बहुत सी साइट और इंटरनेट पर आपको छठा स्थान मिलेगा, लेकिन यह पांचवा स्थान है। पांचवा इसलिए है क्योंकि पहला है यूपी का, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा वेस्ट बंगाल और पांचवा अपना मध्य प्रदेश। तो सही आंसर है सी, पांचवा। चौथा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, मतलब स्टेट ट्री मध्य प्रदेश का कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का स्टेट ट्री है बरगद, बनियान ट्री जैसे भी कहते हैं। ओके, पांचवा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। तो जो स्वाम्प डियर होता है, जैसे हम बारहसिंगा भी कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, बारहसिंगा। क्वेश्चन सिक्स है, मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस कब मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। सातवा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 29 है, तो ऑप्शन सी सही होगा। आठवां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 11 है। नौवां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 230 है। मध्य प्रदेश की राजधानी सभी जानते हैं, भोपाल, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। 11th क्वेश्चन इज, मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की संख्या क्या है। तो मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की संख्या अब 52 हो गई है। अगर आप ऑप्शन ए में 52 कर लें तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन 12 इज, मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है। तो मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या 313 है। नाउ क्वेश्चन 13 इज, मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, इनमें से कौन सा है। आपताब, सेवक, साप्ताहिक ग्वालियर अखबार और साप्ताहिक मालवा अखबार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, साप्ताहिक ग्वालियर अखबार। नाउ क्वेश्चन 14 इज, मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो मध्य प्रदेश योजना मंडल प्लानिंग बोर्ड श्री प्रकाश चंद सेठी थे, जो कि दो बार मध्य प्रदेश के सीएम भी रहे हैं, 1972 और फिर 1972 से 1975। नाउ हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश योजना मंडल का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है वो कौन होता है। तो मध्य प्रदेश जो प्लानिंग कमीशन है, यह जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रेजोल्यूशन के द्वारा 24 अक्टूबर 1972 को बनाया गया था। इसके चेयरमैन होते हैं वो सीएम होते हैं, और इसमें एक वाइस चेयरमैन और 11 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, मुख्यमंत्री। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा, और इफ़ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।